Hey guys, welcome back to the new video. So, आज अपन लोग कवर करने वाले हैं होंडा डीओ 110 का एच स्मार्ट वेरिएंट, यानी कि डीओ 110 का टॉप एंड वेरिएंट आज अपने पास अवेलेबल हो चुका है। ये रहा डीओ एच स्मार्ट। यहाँ पर आप लोगों को की ना मिलके इस टाइप से दो की फॉब देखने को मिल जाएंगे, फिजिकल की नहीं है, इस टाइप से दो रिमोट की मिल जाती है। और यहाँ आ जाता है अपना प्रॉपर नॉब, इस टाइप से कुछ राइडर पीओवी बनता है। सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे, क्या ऑन रोड प्राइसिंग रहने वाली है, वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कितना प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाता है और कौन सा वेरिएंट आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है। एच स्मार्ट ये है, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट। टोटल तीन वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं डीओ 110 में। बेस हो जाता है आपका स्टैंडर्ड, फिर आता है डीलक्स और टॉप ऑफ द लाइन हो जाता है एच स्मार्ट। प्राइसिंग की बात करते हैं, फिर करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सो बेस वेरिएंट ऑन रोड जयपुर रहेगा 88,000, फिर आता है 92,000 और टॉप ऑफ द लाइन एच स्मार्ट कॉस्ट करने वाला है 96,000। 96,000 ऑन रोड जयपुर डीओ 110 का टॉप एंड वेरिएंट एच स्मार्ट आप लोगों को कॉस्ट करने वाला। आप देख लेते हैं इस प्राइस पॉइंट पे क्या कुछ आप लोगों को स्कूटी में मिलने वाला है। पहले तो बिल्ड क्वालिटी और जो एक प्रॉपर फिनिश है ना सारी चीज़ों की, रबर क्वालिटी, पेंट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप लोगों को मिल जाती है, जैसा कि होंडा की सभी बाइक में, सभी स्कूटीज़ में रहता ही है। फ्रंट हेड पर आ जाता है होंडा की ब्रांडिंग। LED DRL लाइटिंग सेटअप कॉम्बिनेशन में है, LED विथ हैलोजन, LED में ही हेडलैम्प सेटअप भी है, ड्यूल कंपार्टमेंट और इंडिकेटर और रियर लाइटिंग सेटअप आपको कंप्लीट मिलेगा हैलोजन में। फ्रंट नोज पर आ जाता है इस टाइप से नंबर प्लेट का होल्डर। ये कुछ अपना शेप बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आता है। डीओ की ना पर्टिकुलर होंडा के पूरे स्कूटीज़ लाइनअप में काफ़ी अच्छी आफ्टर मार्केट एसेसरीज भी मिल जाती है और वही रीज़न है इतना यूथ में भी इतना फेमस रहता है। ब्रेक लीवर, अपोजिट ब्रेक लीवर और यहाँ पे हैंड ब्रेक भी है। रियर व्यू मिरर सेम एज सभी जो भी होंडा की बाइक्स में स्कूटीज़ में अवेलेबल शेप रहता है, वही वाला डिज़ाइन यहाँ भी है। लाइटिंग सेटअप कॉम्बिनेशन वो आप लोग देख ही चुके हो, शेप यहाँ से देख सकते हो। प्लस फ्रंट में भी कार्बन वाला सेटअप आ जाता है। डीओ में काफ़ी अच्छा यूज़ इस कार्बन वाले टेक्सचर का भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। साइड फेंडर पे होंडा की ब्रांडिंग है, स्टिकरिंग वाला काम है, फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से है, फाइबर में ही रिफ्लेक्टर, मैंडेटरी वाला पार्ट, फ्रंट टायर रहने वाला है अपना अलॉय के साथ, रियर भी अलॉय ही है। शेप आप लोग ये देख सकते हो, ट्यूबलेस टायर, MRF का टायर की ग्रेडिंग, 90-90-12 12 इंच का फ्रंट टायर अपना को मिलता है 90 सेक्शन का। टायर का पैटर्न कुछ आपका इस टाइप से ही, लॉट टू लॉट आपका चेंज भी हो सकता है। और ये कुछ अपना बनता है फ्रंट मडगार्ड का शेप। फ्रंट और रियर 130mm ड्रम ही आप लोगों को मिलने वाला है डीओ 110 में। डिस्क आप लोगों को नहीं मिलता, डिस्क मिलता है अपने को डीओ 125 में, जो कि वहाँ पे है डीओ 125 के टॉप एंड वेरिएंट में। फ्रंट में आ जाता है अपने को डिस्क, बट 110 के टॉप एंड वेरिएंट में भी आप लोग देख रहे हो कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ 130mm ड्रम फ्रंट है और 130mm ड्रम रियर भी रहने वाला है। यही वाला अपना सेटअप चलेगा, पूरा ब्रेकिंग का मैकेनिज्म अपना यहाँ आ जाता है, वही अगेन स्टिकरिंग यहाँ भी है। तो ये हो जाता है अपना फ्रंट लुक कंप्लीट। एक बार आप ओवरव्यू देख सकते हो, इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट लुक हो जाता है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सीट हाइट का कोई इशू नहीं होने वाला। सीट की बात करते हैं ना, काफ़ी बड़ा साइज़ सीट का मिलेगा। प्लस ये फैब्रिक भी आप लोग देख सकते हो, कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। सीट हाइट टोटल 765mm, 765mm की सीट हाइट है। रियर बॉडी स्टिकरिंग यह आ ही जाता है, एच स्मार्ट का एक जेल वाला स्टिकर यहाँ है। रियर में स्प्लिट में ही ग्रे ग्रिल आ जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है 5.3 लीटर, 5.3 लीटर का फ्यूल कैप है। एक्सटर्नल फिलिंग यहाँ पर मिलेगा, उसी के साथ साथ कार्बन वाला टेक्सचर भी आ जाता है। रियर लाइटिंग अगेन हेलोजन में ही कंप्लीट रियर का बनता है, होंडा की ब्रांडिंग। टेल टाइडी का जो साइज है और जो शेप है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। ये अपना जो हीट शील्ड है मेटल में, एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छा शेप इसका भी बन गया है। रियर टायर का सेटअप, MRF ट्यूबलेस, टायर की ग्रेडिंग यहाँ आप लोगों को मिल जाती है 90-110। 10 इंच का रियर है, 12 इंच का अपना फ्रंट था। टायर का पैटर्न सेम है फ्रंट, लगभग आप लोगों को वही टायर का सेटअप मिल जाता है। फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है तो फैन की प्लेसिंग अपनी यहाँ है। ये अपना ऑयल चेंज के लिए एक नोजल, फुटरेस्ट, फुट एक अपना फोल्डेबल रहेगा पिलियन के लिए। फुटबोर्ड का साइज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी इनफ साइज़ है। बैटरी की प्लेसिंग और OBD2 पोर्ट की प्लेसिंग अपना यहीं है। प्लस यहाँ पे एक स्पेस भी है जिससे कि इंजन को हवा जा सके। बाकी डैश वाला सेटअप है ये पूरा रहेगा, ये कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। कॉइन वगैरह रख सकते हो इस टाइप से। कुछ लगेज हुक एक आपको फ्रंट में मिलेगा जिसपे कि अपने की है। ये अपना कुछ इस टाइप से दो रिमोट यहाँ पे मिल जाते हैं दो स्विचेस के साथ, बट अभी इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है। MID भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और एक लगेज हुक आपको जो अपना प्रॉपर जगह रहता है यहाँ भी मिल जाने वाला है। अपोजिट साइड कवर करते हैं, फिर आते हैं स्विचेस के ऊपर। सो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हो इंजन का प्रॉपर लेआउट। एच स्मार्ट है, सो नो किक। एच स्मार्ट में कोई भी किक नहीं है, चाहे वो एक्टिवा 110 हो, डीओ 110 हो, डीओ एक्टिवा 125 हो या फिर डीओ 125 हो। एच स्मार्ट किसी भी स्कूटी में आपको किक नहीं मिलेगा।
सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सेटअप सस्पेंशन का मिल जाता है, रियर में मल्टीपल वे एडजस्टमेंट इस टाइप से, साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, 109cc का फैन कूल्ड सीवीटी गियरबॉक्स के साथ आपको इंजन मिल जाता है, 7.8 HP का पीक पावर है और 9.30 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉप स्पीड की बात करते हैं, सो लगभग 85 से 90 के अराउंड आप लोगों को ये टॉप स्पीड डीओ 110 की आ सकती है। उसी के साथ साथ स्कूटी का जो टोटल एक माइलेज की बात करते हैं ना, तो एक ESP वगैरह आप लोगों को यहाँ पे मिलने के बाद काफ़ी आप लोगों को अब रिफाइननेस और ऐड हो चुकी है, E20 एंड OBD2 अपडेट के बाद माइलेज निकल सकता है लगभग 45-50 के अराउंड यहाँ से आप लोग माइलेज निकाल सकते हो। वही सेम इंजन है जो कि आप लोगों को एक्टिवा 110 में भी मिलता है, वही सेटअप है, तो वही सेम आप लोगों का एवरेज भी यहाँ पे रहने वाला है। इस टाइप से ग्रिप कवर है, ये एक इंस्टॉल्ड है अलग से, मतलब ये बाइक स्कूटी डिलीवरी के लिए रेडी है। ये बार एंड में मिल जाते हैं फाइबर में ही, दोनों ही साइड सेम सेटअप रहेगा। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर एक स्विच मिल जाता है, रियर व्यू मिरर कुछ अपने टाइप से है ही। MID के चारों तरफ भी आप लोगों को यहाँ पर कार्बन वाला सेटअप मिलता है, होंडा का लोगो, एक स्पेस यहाँ है, ये काफ़ी अच्छा स्पेस आपको बन जाता है। लेफ्ट साइड पे हाई बीम लो बीम प्लस पास इंडिकेटर, हॉर्न सिंगल बजर में ही रहेगा। MID आपका कुछ लेआउट इस टाइप से है, रेंज भी आता है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ आप लोगों को सारा सेटअप ये मिलने वाला है। हालांकि BT कनेक्टिविटी नहीं है बट कोई इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है, ये कुछ अपना बनता है राइडर POV। सो ये हो जाती है जी अपनी पूरी डिटेल कंप्लीट डीओ 110 एच स्मार्ट टॉप एंड वेरिएंट के बारे में। प्राइसिंग आप लोगों को मिली चुकी है 96,000 ऑन रोड जयपुर। अब एक यूज़ की बात करी जाए ना कि कौन सा ज़्यादा वेरिएंट आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, यहाँ पे मेजर चीज़ क्या रहती है कि कलर ऑप्शन पर्टिकुलर वेरिएंट में ही अवेलेबल है। सपोज़ कि आप लोगों को ब्लैक कलर चाहिए बेस वेरिएंट में, सो वो नहीं है, ये एक रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से आप लोगों को अपना एक वेरिएंट भी चेंज करना पड़ सकता है। सो ये है, बाकी बेस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है 88,000 में, सारा सेटअप सेम ही है, अलॉयज़ की जगह स्टील रिम आ जाता है, वो चीज़ आप लोग एक्स्ट्रा पे करके अलॉयज़ परचेज कर सकते हो। सस्पेंशन वगैरह टायर वगैरह सब कुछ सेम रहता है, एक रिम्स का वो आ जाता है और प्लस उसमें आप लोगों को ईजी हो जाएगा, एक तो किक मिल जाती है प्लस की भी अपना फिजिकल हो जाता है जो कि कन्फ्यूजिंग वाला सेटअप नहीं रहता है। ये जो रिमोट की है ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है, मतलब इससे यूज़ टू होने के लिए ना काफ़ी टाइम आप लोगों को लगाना पड़ेगा। करते हैं जी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना। अगली वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।